सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल डेडिकेटेड टू साइंस, ताकि आपको साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन में हेल्प हो सके। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द सेलुलर बायोलॉजी एट द जेनेटिक लेवल। तो इसमें मैं आपको कराऊंगा ग्रिफ्थ एंड एवेरिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है और ये बैकबोन है फॉर जेनेटिक्स। क्यों है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ये इन्होंने सबसे पहले एविडेंस दिया था कि जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है, और ये वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की। ग्रिफ्थ ने 1928 को एक्सपेरिमेंट दिया था, जो इंग्लैंड का बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, और इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये डिप्लोकोकस टाइप का बैक्टीरिया है जो निमोनिया करता है मैमल में और ह्यूमन में भी करता है, और इसको न्यूमोकोकस भी कहते हैं। इसके दो स्ट्रेन हैं, दो इसके टाइप्स हैं, एक एस है एक आर है, एस स्मूथ एंड वायरुलेंट स्ट्रेन विच प्रोटेक्टेड बाय पॉलीसेक्राइड कैप्सूल फॉर्म द स्मूथ ग्लिस्टरिंग कॉलोनी विद ग्रोन इन द अगार मीडियम एंड कोज निमोनिया, यानी एस कॉलोनी जो है निमोनिया करती है। और एक हार्मलेस स्ट्रेन है आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन कहते हैं, और इससे निमोनिया नहीं होता। ही इंजेक्टेड द लाइव रफ बैक्टीरिया इनटू माइस, उसने माइस के अंदर लाइव बैक्टीरिया डाल दिए लिविंग आर स्ट्रेन वाले, और माइस नहीं मरी। द माइस इंजेक्टेड विद लाइव स्मूथ बैक्टीरिया बट द माइस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया सर्वाइव्ड। फिर उसने क्या किया, माइस को स्मूथ हीट किल्ड बैक्टीरिया लगाए, फिर भी बच गई। और द ग्रिफ्थ देन इंजेक्टेड द माइस विद अ मिक्सचर ऑफ लाइव रफ बैक्टीरिया एंड हीट किल्ड स्मूथ। फिर उसने क्या किया, जो स्मूथ बैक्टीरिया हीट किल्ड कर दिए, और जो उसका रफ बैक्टीरिया थे वो लिविंग इकट्ठे इंजेक्ट किए। उसके बाद क्या हुआ, ऑल दो नाइदर ऑफ दीज अलोन वाज हार्मफुल, दोनों इकल्ले का कोई नुकसान नहीं था, यानी रफ लिविंग हो या डेड हो कोई नुकसान नहीं है, और जो स्मूथ को जब डेड कर दिया फिर भी कोई नुकसान नहीं है। पर जब उसने इसका मिक्सचर डाला, यानी लिविंग रफ रखा और डेड हीट किल्ड किया स्मूथ को, फिर क्या हुआ, स्मूथ बैक्टीरिया इन द ब्लड माइस के देखा गया। फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड डैट द सम ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल्स हैं फ्रॉम द डेड स्मूथ बैक्टीरिया इंटर्ड इन द लिविंग रफ, तो उसने कहा जो डेड का कुछ मटीरियल रफ में गया ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो ही ट्रांसफॉर्म द स्मूथ बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम द डेड माइस एंड देन ग्रोन इन द कल्चर प्रोड्यूस द स्मूथ बैक्टीरिया। उसने इसके ब्लड से कल्चर किए निकाले और रिपोर्ट किए, तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने एविडेंस दिया था। और ग्रिफ्थ की क्या प्रॉब्लम थी, उसे पता नहीं था रोल ऑफ माइस इन चेंज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन एंड व्हाट कंपोनेंट एस स्ट्रेन कोज द वायरलेंस। उसके बाद माइस का कोई रोल नहीं है, काफ़ी साल के बाद पता चला था कि साइंटिस्टों ने स्मूथ जो हीट किल्ड बैक्टीरिया लिव रफ बैक्टीरिया कैप टुगेदर इन कल्चर फ्रॉम द ट्रांसमीटर वायरलेंट इन द लेटर गोट ट्रांसफॉर्म इन टू स्मूथ वायरलेंट बैक्टीरिया। इस प्रूव डैट द माइस सेल हैड नो टू प्ले रोल इन चेंज ऑफ द स्ट्रेन, यानी बाद में पता चला वो कन्फ्यूजन में था, उसके अकॉर्डिंग था कि माइस के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बट बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बाहर में कर लिया जो एक्सपेरिमेंट, और कल्चर मीडियम में जो हीट के स्मूथ बैक्टीरिया और रफ लिविंग को मिलाया, और बाद में उससे स्मूथ लाइव बन गए, तो डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो जो बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट है, बाद में इसे देखा गया जो स्मूथ हीट किल्ड बैक्टीरिया आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइव रफ स्मूथ बैक्टीरिया वायरुलेंट बैक्टीरियल कल्चर मीडियम। दिस फाइंडिंग प्रूव डैट द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल रेदर देन द होल सेल वाज ट्रांसफॉर्मेटिंग एजेंट। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कंपोनेंट था जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, और बाद में इसको पता चला कि ये डीएनए था। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको ग्रिफ्थ का ये एक्सपेरिमेंट समझ आ चुका होगा। यहाँ देख सकते हो उसने टेस्ट ट्यूब में रफ स्ट्रेन ऑफ न्यूमोकोक्स डाला, कुछ नहीं हुआ, फिर स्मूथ स्ट्रेन को डाला, ये मर गया, फिर इसने हीट किल्ड कर दिया स्मूथ को और इसमें इंजेक्ट किया फिर भी बच गया, फिर इसने जो हीट किल्ड स्मूथ और लिविंग रफ को मिलाया फिर माइस मर गया। तो दिस इज़ द मेन बेसिस फॉर द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंटर था, डेट इज़ अ एवेरी,
and other ओटीएवेरे एंड सी मैकलॉड एंड एम सी काटी, उनने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया स्मूथ वायरलेंट बैक्टीरिया इनटू प्रोटीन डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन, अलग अलग फ्रैक्शन कर दिए इसके। द फ्रैक्शन वाज सेपरेटेड एडिंग द कल्चर मीडिया कंटेनिंग अ लाइव रफ, ओनली द कल्चर मीडिया डेट रिसीव द डीएनए फ्रैक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वायरलेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस द स्मूथ, दिस प्रूव डैट डीएनए वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिंग एजेंट। उसने क्या किया, जैसे ये ट्यूबैस में कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस स्मूथ बैक्टीरिया की है, कल्चर मीडिया और रफ बैक्टीरिया, और उसने क्या किया प्रोटीन लिए स्मूथ बैक्टीरिया की, डीएनए स्मूथ बैक्टीरिया का, फिर देखा डीएनए ऑफ स्मूथ बैक्टीरिया प्लस डी ऑक्सीकार्बोनिकली एसिड इसने फाइंड किया। तो उसने क्या किया, एक्सट्रैक्ट में जब डीएनए डाला था तब ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बाकी ना तो प्रोटीन का कोई रोल है ना तो कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसने बताया कि जो डीएनए है डैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिंग एजेंट। सो ट्रांसफॉर्मेशन की है, इट इज़ द परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज प्रोड्यूस इन द वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बाय सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम काइंड बैक्टीरिया, इस सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, जैसे डीएनए है। तो यहाँ से एविडेंस मिला, ओनली द डीएनए जेनेटिक मटीरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैज़ बीन ऑब्टेन्ड द सेवरल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस, पर हैव द बेस्ट एविडेंस प्रोवाइडेड बाई हर्सी एंड चेज हु वर्क्ड विद द वायरस डैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियो वायरस। तो ये जो ग्रिफ्थ था और एवेरी था, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी एविडेंस की, बट जो वेस्ट है उसे एक्सप्लेन किया हर्सी एंड चेज ने। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों बताना मुझे कैसा आपको जो मेरा वीडियो लेक्चर लगा, तो इसमें कमी है प्लीज़ कमेंट करना।